लेकिन स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया था, तो वो जो ये एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2, ये उन्हीं टाइप से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने बताना है आइडेंटिफाई द मैट्रिसेस स्क्वायर, रो और कॉलम मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में हमने इनको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये मैट्रिक्स कौन सी टाइप्स की हैं, स्क्वायर है, कॉलम है या रो मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखें कि इसका ऑर्डर क्या आएगा। दो ही रोज़ हैं हमारे पास और दो ही कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2x2। तो हमने स्क्वायर की डेफिनेशन ये पढ़ी थी स्क्वायर मैट्रिक्स की, के उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास ऑर्डर सेम है, रोज़ भी सेम है और कॉलम्स भी सेम है। तो इसका मतलब ये कौन सी हमारे पास मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके आंसर में आपने लिख देना है स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें मैट्रिक्स, तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो इन्वॉल्व हो रही है। ये देखें ए ई आई ओ यू, सिर्फ एक ही रो इन्वॉल्व हो रही है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, रो मैट्रिक्स। इसके बाकी पार्ट्स भी सेम इसी तरह आएंगे, सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है मैट्रिक्स को डेफिनेशंस को मद्देनजर रखते हुए। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, राइट डाउन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2। पहले तो हम सिर्फ मैट्रिक्स लिखा होता था, हम उसको बताते थे कि ऑर्डर ये इसका क्या है। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास ऑर्डर गिवन है 3x2, तो हमने इस ऑर्डर के मद्देनज़र रखते हुए एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। आप एंट्रीज कोई भी लिख सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें 3 रोज लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, आगे कोई भी डिजिट लिख दें, जेड लिख देते हैं। तो इसमें देखें हमारे पास रोज़ कितनी है, 1, 2 और 3, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास किस ऑर्डर का ड्रा हुआ है, 3x2 मैट्रिक्स। इसी तरह ही बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी सेम इसी तरह ही हैं। आपने सिर्फ हमारे पास ऑर्डर गिवन है, उस ऑर्डर को देख के हमने मैट्रिक्स ड्रा करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, आपने सिर्फ उनका ऑर्डर लिखना है, वो भी सेम उसी तरह ही है जिसना हमने 1.1 एक्सरसाइज में किया था, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे देखें फाइंड ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब हमारे पास एक बी मैट्रिक्स गिवन है, हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले तो बी ट्रांसपोज से जो इंडिकेट करेंगे। अब ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज करते हैं और कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज करते हैं। हम रोज़ को कॉलम्स में करेंगे, तो फर्स्ट रो देखें कौन सी है, 6, 2, 3, सेम इस तरह इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, 6, 2, 3। सेकेंड रो देखें 3, 5, 7, इसको कॉलम में लिख देंगे, 3, 5, 7। लास्ट रो कौन सी है, 2, 7, 8, 2, 7, 8, इसको भी हमने लास्ट कॉलम में लिख दिया। तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है और ये इसका बी ट्रांसपोज बन गया। इसी तरह ही मैट्रिक्स सी है हमारे पास। अब देखें इसमें है ही हमारे पास एक रो, सिर्फ एक रो इन्वॉल्व हो रही है, तो हम इसी रो को कॉलम में लिख देंगे तो वो सी का ट्रांसपोज बन जाएगा। अब देखें सी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये रो है हमारे पास, इसको सिंपली कॉलम में लिख देना, 2, 0, 7। तो बाकी पार्ट्स भी इसी तरह ही होंगे, आपने सिर्फ रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देना है या कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर देना है, तो ये आपका ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलें जी आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक। इन मैट्रिसेस को हमने बताना है कि इनका अगर ट्रांसपोज लेके लेते हैं तो एज इट इज़ मैट्रिक्स बी हमारे पास आता है या नहीं आता। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे बी का ट्रांसपोज लेंगे, रोज़ को कॉलम्स में लिखेंगे, 7, 8, 8, 6। तो देखें हमारे पास दोबारा मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लिया है, दोबारा हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा आ गया है, बी। तो इसका मतलब बी का ट्रांसपोज लिया है तो दोबारा हमारे पास मैट्रिक्स बी आ गया। तो इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स बी था ये कौन सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह ही एक मैट्रिक्स एफ है हमारे पास, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। एफ का ट्रांसपोज लेंगे, उसी तरह रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे, 2, 3, 7, -3, 5, 1, 6, 8, 2। अब देखें हमारे पास एफ का ट्रांसपोज 2, 3, 2, -3 और 6, यहाँ पर देखें 2, 3, 7 है। इसका मतलब कि हमारे पास जो एफ का ट्रांसपोज हमने जब लिया है तो वो हमारे पास रिजल्टेंट उसका एफ के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने इस क्वेश्चन में सिर्फ आइडेंटिफाई करने हैं कि हमारे पास कौन से मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं। जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक आते हैं हमने सिर्फ उन्हीं को आइडेंटिफाई करना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है। हमने प्रूफ क्या करना है, देन शो डैट ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, हमने एडिशन करनी है दो मैट्रिक्स की। तो दो मैट्रिसेस की एडिशन कब होती है, कब कंफर्मेबल होती है, कि जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। अब इसका ऑर्डर देखें, ये भी 3x3 मैट्रिक्स है और ये भी 3x3 मैट्रिक्स है। जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम तब ही दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, ए प्लस बी। और मैट्रिसेस को ऐड कैसे करेंगे आप, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे इसके अंदर 3 को आपने ऐड करना है, 3 को 5 के अंदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो दोनों मैट्रिसेस के हैं उनको ऐड करना है। तो 2 को ऐड करेंगे 3 में, 2+3, उसके बाद 3 को 5 में, 3+5, सेम ऐसे ही आगे भी करेंगे, 1+5, 4+4, 2+1, 3+2, 6+0, 1+4, 3+6। आगे इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 2+3, 5, 3+5, 8, 1+5, 6, 4+4, 8, 2+1, 3, इसी तरह आगे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6, 5 एंड 9। हमने अब प्रूव क्या करना है कि a प्लस बी जो है हमारे पास वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो इसका मतलब a प्लस बी का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो रोज को हमने कॉलम्स में इंटरचेंज करना है, तो 5, 8, 6, उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम में करेंगे, 8, 3, 5, अब लास्ट रो को लास्ट कॉलम में, 6, 5, 9। अब देखें कि हमारे पास जो a प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने लिया है, क्या ये वाकई a प्लस बी के इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट कॉलम को देखें, 5, 8, 6, 8, 3, 5, 6, 5, 9, तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। इसका मतलब कि हमारे पास a प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आ गया, a प्लस बी के। तो इस कंडीशन के तहत हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी जो है मैट्रिक्स वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। तो यही हमने प्रूफ करना था। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमने क्या बताना है, आइडेंटिफाई द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सबसे पहले ये देख लें, अगर हम ए का ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स ए या कोई मैट्रिक्स हमारे पास उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो एज इट इज मैट्रिक्स वही आए ए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास माइनस ए, नेगेटिव ऑफ ए आए, तो वो कौन सा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने मैट्रिक्स लिया बी, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल्स टू, रोज को कॉलम में चेंज करेंगे,
ज़ीरो बी ई, सेकेंड रो को माइनस बी ज़ीरो माइनस जी, अब थर्ड रो को माइनस ई जी एंड ज़ीरो। अब देखिए हमने इसका ट्रांसपोज लिया जब मैट्रिक्स बी का, तो यहाँ पे तो ज़ीरो था उसके जगह माइनस बी की जगह माइनस बी आ गया, ई की जगह माइनस ई आ गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, बी भी पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब सेकंड रो में देखें यहाँ पे नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, उसके बाद ज़ीरो तो एज इट इज आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव जी था यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव ई था यहाँ पे पॉजिटिव ई आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव जी था यहाँ पे नेगेटिव जी, जितनी भी एंट्रीज हैं उनके सब के साइन जो हैं वो रिवर्स हो गए हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो बी ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स आया वो किसके इक्वल आया है, माइनस बी के। तो बी ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स आया वो किसके इक्वल आया, माइनस बी के। तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है, इसको देख लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेते हैं कि ये सिमेट्रिक आता है या स्क्यू सिमेट्रिक आता है। सी का ट्रांसपोज जब लेंगे हम, रोज को कॉलम्स में लिखेंगे, टू माइनस सिक्स माइनस सिक्स एंड फोर। अब देखें सी का ट्रांसपोज में जो मैट्रिक्स आया वो बिल्कुल इक्वल है किसके, सी मैट्रिक्स के। यहाँ पे भी टू है, माइनस सिक्स एंड फोर। तो जो हमने सी का ट्रांसपोज लिया है वो हमारे पास मैट्रिक्स किसके इक्वल आया, सी के इक्वल आया। तो इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बाकी पार्ट भी इसके सेम ऐसे ही हैं, आपने जस्ट ट्रांसपोज लेना है। अगर तो मैट्रिक्स सेम वैसे ही आता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अगर उसका नेगेटिव आता है तो वो कौन सा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थैंक यू।